السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام علاقے کے باوقار احباب اتر دیناجپور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں رات کے تقریباً 12 بجے تک آپ نے نہایت ہی سکون کے ساتھ مختلف
उलमाए किराम से उनके मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ अनावीन पर आपने बहुत सी नसीहतों को समाअत फरमाया। और इस वक्त भी आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि लाल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। भुलकी का जलसा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जलसा होता है, जो उन चुनिंदा इजलास में शामिल हो जाता है जो कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके अंदर इस शौक़ को बरकरार रखे, हमें सारे उलमा की बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कही हुई बातें जो किताब व सुन्नत पर मबनी हों, अल्लाह ताला हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उनकी तादाद जितनी भी रही हो, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि उन सब की दावत इस्लाम ही की दावत थी। सारे नबियों का दीन एक था, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जो दीन देकर भेजा है वो एक ही दीन है। ये अलग बात है कि जिस कौम के अंदर जो नबी आया, उस नबी के गुज़र जाने के बाद उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी हो, उसी शक्ल की इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व ताला पैगंबरों को भेजता रहा, यहाँ तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तो नबी अकरम को भी उसने यही कहा कि मैंने आपको कोई नया दीन या कोई नया मज़हब नहीं दिया है, बल्कि वही दीन देकर भेजा है जिस दीन की वसीयत और जिस दीन के निफास का हुक्म हम आपसे पहले मूसा को, ईसा को, इब्राहिम को दे चुके हैं। शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूह, जिस दीन की वसीयत, जिस दीन के निफास का हुक्म आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले नूह को दिया था और नूह से के बाद इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को जिस दीन को देकर भेजा था, हमने आपके लिए भी उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफास का हुक्म दिया है। ये आयत हमें बतला रही है कि नबी अकरम भी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। और हम डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि जो दीन इब्राहिम का था, जो दीन नूह का था, जो दीन मूसा का था, जो दीन ईसा का था, वही दीन हमारा भी है। फ़र्क इतना है कि उन नबियों के और पैगंबरों के मानने वालों ने अपने नबियों की तालीमात की शक्ल को बिगाड़ दिया। एकेश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर उन्होंने खुराफातें लागू कर दी और असल शक्ल को, तौहीद की असल शक्ल को बिगाड़ दिया।
तो सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस दीन को कयामत की सुबह तक के लिए लागू कर दिया और नबी अकरम से ये कह दिया कि अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इतमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपके इसी दीन इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। अल्लाह ताला उस दीन से उस इस्लाम से खुश हो गया जिसकी आखिरी तस्वीर हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली है, और उसी दीन के बाद उसने उस दीन उस इस्लाम के बाद के अलावा जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में वजूद में हैं उन तमाम अदियान और उन तमाम मज़ाहिब के बारे में ये हुक्म लागू कर दिया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिनहु, अब जो शख्स भी इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, दूसरा मज़हब तलाश करेगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक्बल मिनहु, तो वो दीन हरगिज़ उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन कबूल करता है या उसको तलाश करता है तो वो दूसरा दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब पर अमल करने वाला क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, किसी भी मज़हब के मानने वाले को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है इस आयत में। कोई ये ना समझे कि अपने मुंह से कुरान अपनी तारीफ कर रहा है और मौलाना साहब चूंकि मुसलमान इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कि मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि सारे नबियों का दीन ही इस्लाम था। इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा जो दीन लेकर आए थे उसकी शक्ल को जो बिगाड़ दिया गया था, उस बिगड़ी हुई शक्ल को असरे नौ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसी शक्ल में पेश कर दिया जिस शक्ल के अंदर इन नबियों ने पेश किया था। इसलिए कुरान कहता है قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے, آپ دنیا کے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دیجئے, जिन लोगों को हमने किताबें दी हैं, तौरात दी, जबूर दी, इंजील दी, आप उन अहले किताब को कह दीजिए जिनकी तरफ हमारा पैगाम गया, हमने जिनके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल की हैं, उन अहले किताब को मुखातब करके कहा आए नबी उनको उनके अंदर आप ऐलान कर दीजिए, उनको मुतला कर दीजिए, बाखबर कर दीजिए, उनको हमारी तरफ से ये मैसेज दे दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए यहूदियो, आए ईसाइयो, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम और तुम एक ऐसे कलमे की तरफ मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारा भी और हमारा भी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो कलमा तुम भी पढ़ते हो और उस कलमे के कायल हम भी हैं। आए अहले किताब, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है तो हमारे
हमारे और तुम्हारे दीन अलग अलग कैसे हो गए हैं? हमारा और तुम्हारा कलमा ये है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे। आए तौरात वालों यही तुम भी मानते हो, आए इंजील वालों यही बात का इकरार तुम भी करते हो, आए जबूर वालों तुम भी इसी बात के कायल हो। तो जाहिर है जब हमारी और तुम्हारी बुनियाद एक है, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है, जब एक अल्लाह की इबादत के तुम भी कायल हो, तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ हम सब उस कलमे पर इकट्ठे हो जाएं, हम उस कलमे पर जमा हो जाएं। इसीलिए दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का कलमा एक रहा। कलमे के दो जुज होते हैं, पहला जुज किसी भी नबी के दौर में नहीं बदला गया और दूसरा जुज उस दौर के नबी के हिसाब से बदलता रहा। नूह आए तो कलमा यह पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा यह पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा यह पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा यह पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला, यानी नूह की वही दावत, इब्राहिम की भी वही दावत, मूसा की भी वही दावत, ईसा की भी वही दावत, और जब सब की वही दावत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी दावत को आगे लेकर चले। आपने कहा लोगों नबी तो वो रहे हैं तुम्हारे, लेकिन अब नबी मैं हूं, लेकिन अल्लाह ने उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। आए मुझे अलग पैगंबर समझने वालों, आए वो लोगों जो ये समझते हो कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आया है, नहीं नहीं गलत फहमी अपने दिमागों से निकाल लो, हम तो कोई नया दीन लेकर नहीं आए, हम कोई नया मजहब लेकर नहीं आए। आए दीन इब्राहिमी के मानने वालों, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को लेके आए। आए मूसा के मानने वालों, हम तो उसी मूसा के दीन को लेकर आए। ईसा के मानने वालों, हम उसी ईसा के दीन को लेकर आए, हम अपनी तरफ से कोई नया दीन लेकर नहीं आए, अल्लाह ने हमें कोई नया दीन नहीं दिया। इसीलिए जब सबका दीन एक है और वो इस्लाम है, तो वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो सारे नबियों का दीन इस्लाम, जो इस इस्लाम के बाद कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इब्राहिम और नूह और मूसा और ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के बाद कोई नया दीन इख्तियार करेगा, अपनी तरफ से कोई नया दीन गढ़ेगा, अपनी तरफ से कोई नया मजहब ईजाद करेगा, तो वो उसके उस मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत के अंदर कयामत के दिन वो आदमी सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। दीन की शक्लें हर जमाने में बदलती रही हैं। आप क्या समझते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इन्हीं लोगों ने दीन की शक्लें बदली, और क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, आपके नबी बनकर आने के बाद, इस्लाम का नाम लेकर क्या मुसलमानों में इस दीन की असल शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है? क्या मुसलमान नहीं बिगाड़ते इसकी असल शक्ल को, जो ओरिजिनल इस्लाम है? यह हमें कहना पड़ रहा है आज लफ्ज़ ओरिजिनल, जैसे हदीस के साथ अब सही का लफ्ज लगाना पड़ रहा है, सही हदीस, ज़ईफ हदीस, फला हदीस, वरना हदीस तो कहते ही उसी को हैं जो बिल्कुल सही हो। लेकिन आज हदीस की किताबों में ऐसी ऐसी मनगढ़ंत और झूठी हदीस बातें भी गढ़ दी गई हैं कि मुहद्दिसीन ने जब उनको छाना और अलग किया तो साबित कर दिया कि यह हदीस गलत ज़ईफ है, यह हदीस सही है, तो आज लगाना पड़ रहा है उसके साथ सही और ज़ईफ। इसी तरीके से आज हमें कहना पड़ रहा है कि ओरिजिनल इस्लाम, अल्लाह ताला ने उसी ओरिजिनल इस्लाम के बारे में कहा है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन इस्लाम से राजी हो गया हूं जो आपने दिया है, आपके इसी दीन इस्लाम से राजी हूं मैं,
यानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए उस इस्लाम से मैं राजी हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद लोगों ने इस्लाम का नाम लेकर शरीयत के अंदर नई नई चीजों को ईजाद किया है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है और कयामत तक वही इस्लाम रहेगा। सारी बातों को पेश किया जाएगा किताब व सुन्नत पर, जो चीज उससे मिल जाएगी वही इस्लाम है और जो चीज उसमें टच नहीं होगी और नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ जाएगी वो इस्लाम का के बाहर कहलाई जाएगी। हमें और आपको ये समझना होगा इस्लाम को अल्लाह ताला ने पसंद क्यों किया और ये क्यों कहा कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और तुम आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, क्योंकि इस्लाम अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखता है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने अंदर बे लाग और बे लौस तौहीद रखता है। तौहीद के साथ किसी चीज का कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतनी जबरदस्त तौहीद। इस्लाम की दूसरी खूबी यह है कि वो रिसालत का सही मतलब बतलाता है। दीने रिसालत है। रसूल कौन होते हैं, रसूल की हैसियत क्या है। बहुत से लोगों ने रसूल की हैसियत को बिगाड़ के रख दिया है और अवतार का दर्जा दे दिया है और अवतार का माना यह किया जाने लगा है कि अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और उस जमाने के हालात के मुताबिक धर्म का प्रचार करता है और फिर वापस चला जाता है। इस तरीके की खुराफातें पैदा की गई हैं, जबकि अवतार का माना यह नहीं, अल्लाह का आसमान से जमीन पर आना यह मतलब नहीं होता है। अवतार का मतलब होता है अवतरित, अवतार का मतलब होता है जिसको उतारा जाए, अवतार का माना होता है जिसको भेजा जाए, यानी भेजने वाला कोई और है और जिसको भेजा जा रहा है वो कोई और है। अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना नहीं है, जैसा कि आजकल के शंकराचार्य लोग ये तर्जमा करते हैं कि अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यानी अल्लाह ही का मनुष्य और इंसान की शक्ल में जमीन पर आना, ये माना नहीं है। अवतार का माना यह है कि अल्लाह का अपने बंदों में से किसी मखसूस बंदे को रसूल बनाकर, दूत बनाकर, कासिद बनाकर, पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजना और उसका काम मात्र, उसका काम सिर्फ केवल इतना है कि वो अल्लाह के अहकाम को दुनिया वालों के सामने और अल्लाह के बंदों के सामने और अपनी कौम के सामने पेश कर देता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि वो खुद रसूल इस दुनिया में आता है तो वो अल्लाह का मोहताज होता है। इसीलिए कुरान पढ़िए और सीरत का सही, किसी भी नबी की सीरत को आप उठाकर देखें तो आप देखेंगे तौहीद का सही माना तो रसूलों की जिंदगी से मिलता है। पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने कुरान में जितने भी नबियों का नाम लिया, जितना भी रसूलों का जिक्र किया, अल्लाह ने उन नबियों का जिक्र करते हुए उनकी परेशानियों का जिक्र भी कर दिया। कुरान पढ़िए आप। जो लोग नबियों को और रसूलों को मुख्तार कुल मान लेते हैं वो लोग कुरान पढ़ें और गौर करें। अल्लाह ताला ने आदम का नाम अगर लिया है तो ये जिक्र भी कर दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए और उस दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी कोई रास्ता नहीं था,
जो शजरे ममनुआ उन्होंने जन्नत के अंदर खा लिया था, जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, और इस खता की पादाश में उनको और उन हव्वा को जब दुनिया में भेजा गया तो इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, क्या किया जाए। तब आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो परेशानी उनके ऊपर आई उस परेशानी को उन्होंने इस तरीके से दूर किया और अपनी गुजारिश अपने रब के सामने इस तरीके से पेश की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए नबियों और रसूलों को मुख्तारे खुल का दर्जा देने वालों, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अपने आप को वो जन्नत में नहीं बचा सके, इस दुनिया में भेज दिए गए, तो अल्लाह के सामने अपनी खता का जिक्र कर रहे हैं, रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी इस खता का एतराफ करके उससे तौबा कर रहे हैं और माफी की दरख्वास्त कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने, हव्वा ने और हमने, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। लेकिन ये भी हकीकत है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मगफिरत न की, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन मिनल खासिरीन, तो अल्लाह कहीं के नहीं रहेंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनके आने का जिक्र अल्लाह ने किया तो उनकी परेशानी का जिक्र भी कर दिया। ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुनो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे। अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो लड़का पहाड़ पे चढ़ गया, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आ जा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आ जा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहां तक पानी नहीं आएगा। नहीं, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहां तक के वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। बाप और बेटे के दरमियान जो फितरी मोहब्बत होती है वो जोश में आ गई, जोश में आ गई, और नूह अलैहिस्सलाम ने चीख दिया, अय मेरे रब मेरा बेटा, अय अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, फरमाया आए नूह ऐसी बातें मत जबान से निकालो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, तुम जिसको अपने अहलोयाल का कह रहे हो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहलोयाल से नहीं है, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, मरने दो उसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। आज कह दिया, कह दिया बेटा, आइंदा कभी अपनी जबान से उसको बेटा मत कहना। गौर करो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब के मर जाता है, गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए, पुकारा भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ भी कबूल नहीं की। ये जाहिर है, अल्लाह पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है, दुआ मांगने का इख्तियार सबको है, लेकिन कबूल करना न करना ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो एक मजबूर और एक मजदूर की दुआ सुन ले, वो चाहे तो गार में फंसे हुए तीन लोगों की दुआओं को सुन ले, और वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को भी रिजेक्ट कर दे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है।
वो हर चीज पर कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलाम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे और नहीं बचा पाए। नूह का ये वाकया और नूह के बेटे का मर जाना चीख चीख के बता रहा है कि नबियों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है, रसूलों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। आए नबियों और पीरों और वलियों को सब मुख्तारे कुल समझने वालों, जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आपकी मुसीबतें क्या दूर करेंगे। ये नबियों की जिंदगी हमें बतला रही है, ये नबियों की सीरत हमें बतला रही है कि दुख सुनो, तौहीद तुम्हारी उस वक्त और मजबूत हो जाएगी जब तुम नबियों की जिंदगी पढ़ोगे। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया तो बुतों को तोड़ देने के पादाश में नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, बहुत बड़ी आग लगाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है, झूला डाल दिया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान पे नजर डाली, अय अल्लाह अगर वाकई मैं तेरे रास्ते पे हूँ और तौहीद पे हूँ तो तू मेरी हिफाजत फरमा, अय अल्लाह मुझे बचा। इधर नमरूद ने आग में डाला, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारू कूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहीम। आय आग, तेरा काम जलाना है लेकिन तू मेरे हुक्म से जलती है, लेकिन आज मेरा बंदा तेरी गोद में आया है, तेरी आगोश में आया है, आज तू अपनी फितरत बदल दे, आज तू अपनी कशिश बदल दे, आज तेरा काम जलाना नहीं है, आज तेरा काम फूल बन जाना है, आज गुले गुलजार बन जाना है, मेरे बंदे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाना है। आज तेरे अंदर से जलने की सिफत खत्म हो गई, आज तू मेरे बंदे पर सलामती वाली हो जा। कून बर्दन सलामती, और ठंडा नहीं कहा, सलामन भी कह दिया। इतनी ठंडी, अगर ठंडा कह देता अल्लाह आयात ठंडी हो जा तो इतनी ठंडी हो सकती थी कि बर्फ़ से भी ज़्यादा, इसलिए कहा ज़्यादा इंसान को गर्मी अगर नुकसान पहुंचाती है तो ज़्यादा ठंडक भी तकलीफ़ देती है, इसलिए कहा ठंडी तो हो जा, बुझ तो जा, लेकिन इतनी ठंडी मत होना कि मेरे बंदे इब्राहिम को तकलीफ़ हो। सलामती वाली, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, मोतदिल और बीच वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को नमरूद के अजाब से नहीं बचा पा रहे हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया कि देखो हमने उनके बेटे यूसुफ को छीना, मुख्तलिफ मराहिल से बेटा गुजरा, उसके भाइयों ही ने उसको कुएं में फेंक दिया, यूसुफ का कुर्ता उतार के किसी बकरी का खून लगा के ले आए और अपने बाप याकूब से कह दिया कि हम लोग खेल में तमाशे में मस्त हो गए, और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया और यूसुफ को भेड़िया कहा गया। कई साल तक याकूब रोते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा याकूब तुमने मुझसे बेटा मांगा है, मुझे पुकारा है, मेरे आस्ताने पे दस्तक दी है, इसलिए अब तुम्हारा बेटा भी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तुम बेटे की जुदाई में इतना रोए हो, इतना रोए हो कि रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी और बीनाई चली गई, पहले हम तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बेटे को वापस करेंगे। और तुम्हारा बेटा जब हमने छीना था तो कमजोरी की हालत में छीना था, लेकिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस करेंगे तो उसको नबी बनाकर वापस करेंगे और उसको एक मुल्क का बादशाह बनाकर वापस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, बादशाह मिस्र बनाकर उनको वापस कर दिया गया। गौर करो, जहां पर अजीज मिस्र बैठा करता था वहां पर आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं, और इस हाल में बाप से बेटे को मिलवाया। याकूब पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। इब्राहिम पर परेशानी आई, अपने रब को पुकारा। हजरत जकरिया पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, समंदर का सफर कर रहे हैं, कश्ती उलट जाती है, मछली निकल जाती है, मछली के पेट के अंदर वो अपने रब को पुकार रहे हैं।
ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंत मिनज़्ज़ालिमीन। रब को पुकार रहे हैं। नबियों की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, अल्लाह ने जितने भी नबियों का नाम लिया उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया और ये मैसेज दे दिया, नबी भी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो नबियों के बाद आने वाले तुम्हारी परेशानियां दूर करेंगे। थोड़ी सी अकल पर आदमी जोर दे दे तो बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अकल पर जोर देने ही कब दिया जाता है? अकल पर जोर नहीं देने दिया जाता। कह दिया जाता कुरान नहीं पढ़ना जानते तो सीखो ही मत, पढ़ने की जरूरत क्या है? आप ताज्जुब करेंगे, मुबारकपुर के एक मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है, जो फतवा दे दिया बाकायदा कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको सीखने की जरूरत नहीं, कुरान खोल कर सिर्फ अपनी उंगली कुरान के हरूफ पे चलाते रहें अल्लाह उनको सवाब देता रहेगा। यह फतवा छपा है, उंगली चलाते रहें अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। जब नियत ही तुम्हारी यह है कि हम सीखेंगे ही नहीं तो सवाब मिलेगा? जब तुम्हारी नियत ही है कि हम उंगली चलाते रहे बस, सीखना है ही नहीं तो सवाब मिलेगा? ठीक है, तुम्हारी बात हम मानते हैं, अल्लाह नियत देखता है, तो अल्लाह जब तुम्हारी नियत ही है कि हमें सीखना ही नहीं है कुरान, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, तो आपको उंगली फेरने पर सवाब मिलेगा? ये फतवे दिए गए कुरान के करीब लाने की कोशिश ही नहीं की जाती है। अगर आप कुरान पढ़ के किसी से मसला पूछने लगे तो क्या कहेगा, क्या तुम वहाबी हो गए हो क्या? क्यों? कह रहे कुरान पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के मसले तो वही लोग पूछते हैं, तुम कब से पूछने लगे हो ये बात? कुरान तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे मौलाना लोग काफी हैं, जो बता दिया उसी पर अमल करो। पढ़िए पूरी जिंदगी, सारे नबियों के हालात सुनने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी परेशानियों से गुजरी है। जंगे बदर का वो मामला देखो, 313 मुसलमान नबी के साथ और 1000 से ज्यादा का लश्कर काफिरों के साथ। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बद्र के दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा, मेरा उठना बैठना सोना जागना नबी के साथ हुआ करता था, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अकरम को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैंने बद्र के दिन देखा। 313 मुसलमानों को आप देखते और 1000 काफिरों को देखते, उनके हथियारों पर नजरें डालते, उनके तीरों कमानों तलवारों पे और घोड़ों पे नजर डालते, और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते सहाबा को देखते, किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है, एक चीज है तलवार है तो अपने आप को बचाने के लिए ढाल नहीं है, ढाल है लेकिन चलाने के लिए तलवार नहीं है, एक चीज है और दूसरी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सजदे में गिरे हुए देखा और सजदे की हालत में अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इंतहलिक हाजिल असाबा लंतो बदबादल योम, आय अल्लाह यही मुट्ठी भर जमात मेरे पास है, यही पक्के सच्चे मुसलमान है, आय अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात चली गई, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई और आज ये मिट गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, आज ये मार दिए गए, आज ये हलाक हो गए, लन तो बदबादल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद कभी
अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी जंगे बदर में परेशान है लेकिन अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। एक वफद आया हुआ है, अल्लाह के नबी उनको दावत तबलीग कर रहे हैं, इधर जैनब की बेटी या बेटा बीमार है, उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम दिया, आए अल्लाह के नबी आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी जैनब से कह दो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत जैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नजर अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं जैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला जाता है, घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हजरत जैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हजरत जैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं, अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसकी ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत जैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं और उस बच्ची के नाना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से जैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आई, जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उन सुरी से परवाज हो गई। जैनब की बेटी का इंतकाल हो गया, जैनब की आंखों में आंसू हुए, वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देख कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं, आ नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुब डुबा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हों, जैनब रो रही हों, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हों, यह मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो जैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किप्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में, आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया, बिस्तर पे लिटाया और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइस के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइन तदमऊ वल कल्ब यहज़ुन, मेरे बेटे तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नकूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे।
अल्लाह का शुक्र अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले लिया, लेकिन वो इन्ना बिफिराकी का या इब्राहिम ला महजून नून, लेकिन मैं गमगीन ज़रूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। तो पहली खूबी क्या है? अब तो आप लोगों का शोर आने लगा भाई, आधा घंटा तो आप लोग सही सुनते हैं, उसके बाद उठ उठ के भागने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से ज़्यादा आप लोग देखना चाहते हैं बस। अरे भैया ज़िंदा हूँ अभी तक तो फ़िलहाल, दुआ करो अल्लाह ताला और हयात दे। हाँ हाँ भाई उसी पे आ रहा था मैं। तो ये तौहीद थी जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाकया आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली, ठीक है चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे अच्छा चलो ठीक है, तीन दिन से ज़्यादा नहीं रहने दूंगा अच्छा ठीक है, तलवार मियान में रखोगे बाहर नहीं चलो ये भी ठीक है, मेरा आदमी आपके पास जाएगा आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे चलो ठीक है, सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली, अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अरे अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं क्या, छः महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और छः महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं, छः महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और छः महीने हम आपके रब को, ऐसा करो छः महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, छः महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और छः महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और कुरान की ये सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरों ला अबुदु मा ताबुदुन, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा? नहीं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर रहो मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला? तौहीद के साथ एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, जबूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है। ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में, कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है जो बहुत से मर्द रखे, बहुत से मर्द रखे वो पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है।